दोस्तों, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। और राजस्थान बोर्ड से मैं खबर लेके आया हूँ कि जो राजस्थान बोर्ड का 12th आर्ट्स का रिजल्ट है वो 1:15 पर घोषित हो गया है। दोस्तों, आप अपना रिजल्ट बोर्ड की जो ऑफिशियली वेबसाइट है rajyadubord.rajasthan.government.in पर आप जा सकते हो और अपना रोल नंबर वहाँ पर डालकर अपना जो रिजल्ट है वो आप ले सकते हो और उसका प्रिंटआउट निकलवा सकते हो। दोस्तों, मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताता हूँ कि जो आप किस प्रकार क्या क्या करोगे। दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि जो BSER है उसका मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर है। तो ये राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट है और ऑफिशियल वेबसाइट कि मैं आपको नाम बता रहा हूँ जहाँ पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, और rajyadubord.rajasthan.government.in। और दूसरी वेबसाइट का मैंने नाम डाला है आपके सामने examresults.nic.in। और तीसरी वेबसाइट मैंने नाम डाली है rajyrajregults.nic.in/r170527.ht। हाँ दोस्तों, जो मैंने तीसरे नंबर की जो वेबसाइट डाली है इसको आप कॉपी और पेस्ट करके अगर आप वेब ब्राउजर पे डालोगे तो आपको सिर्फ डायरेक्ट रोल नंबर टाइप करने पड़ेंगे और रोल नंबर टाइप करने के बाद आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको अपने मोबाइल पे और अपना जो रिजल्ट अगर आपको कंप्यूटर पे देखना है या लैपटॉप पे देखना है तो कैसे देखोगे। दोस्तों, पहले आप अपना अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लीजिए और फिर उसके अंदर आप गूगल टाइप कर लीजिए। गूगल टाइप करने के बाद उस गूगल का पेज खुल जाएगा, फिर वहाँ पर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको कॉपी कर लाइए और इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए वेब ब्राउजर के गूगल के अंदर, और वो फिर उस पर जो लिंक क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गूगल की जो सर्च पेज में आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक ओपन हो जाएगा, और लिंक ओपन होने के बाद आप उस पर क्लिक करके उस जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जा सकते हो। और वहाँ जाने के बाद आपका जो रिजल्ट का पेज है वो उस वेबसाइट में साफ साफ दिख जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो RBSC की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी ऑफिशियली, और आप उसमें अपना रोल नंबर पूछेगा वो आपसे, और उसमें आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए। और रोल नंबर डालने के बाद वो आपकी जो मार्कशीट है वो खोल देगा और उसको आप प्रिंट करा लीजिए। दोस्तों, तो इस प्रकार आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूँ कि आज ये रिजल्ट 1:15 घोषित हुआ था दोस्तों, और इसकी तारीख है 27 मई, और जो एग्ज़ाम हुई थी वो 2 से लेकर 25 मार्च के बीच के अंदर इसकी एग्ज़ाम चली थी दोस्तों। और मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो 89.05% ही पासिंग का रहा है इस साल 2017 में, और ये पिछले साल से 2% ज़्यादा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर चैनल में। आज की खबर, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।